दिन भर के प्रायोजक हैं होटल फाइव सेंसेस, एक एक टेंट एंड केटर। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर किसान सम्मान समारोह के तहत किसानों को किया गया सम्मानित। सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर कार्यशाला का किया गया आयोजन। राजघाट थाना क्षेत्र में महिला से मारपीट व डकैती की घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी। आधार ऑपरेटर वर्कशॉप का हुआ आयोजन, 10 वर्ष से अधिक पुराने आधार कार्ड को कराना होगा अपडेट। कोहरे में ट्रैक्टर ट्राली से दुर्घटनाओं पर अलर्ट के लिए आरटीओ ने ईंट भट्टे पर अभियान चलाकर लगवाया रिफ्लेक्टर। गीडर थाने की पुलिस ने गौ तस्करी करने वाले दो शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। महानगर के विभिन्न चर्चों ने कैंडल लाइट सर्विस का आयोजन कर प्रभु यीशु मसीह के संदेशों का किया प्रचार प्रसार। कैंट थाने की पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती। आबकारी विभाग ने शाहपुर व रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी कर लगभग 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 3 अभियुक्त किया पंजीकृत। और देश भर में छात्र नेताओं पर हुए हमले के विरोध में छात्र नेताओं ने पैदल मार्च निकालकर मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन। देश के पांचवें प्रधानमंत्री व किसानों के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर एनएक्सी भवन सभागार में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प व माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को अंग वस्त्र कृषि विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र सौंप कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। वहीं उनसे यह भी अपील की गई कि सरकार लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही है, ऐसे में बढ़ चढ़कर सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं। इस मौके पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, सीडीओ संजय कुमार मीणा, संयुक्त कृषि निदेशक गोरखपुर मंडल नरेंद्र उपाध्याय, उप कृषि निदेशक डॉक्टर अरविंद सिंह, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह, कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर आरडी वर्मा, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी अनिल मिश्रा, वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर योगेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। पिपरौड़ी ब्रह्मानंद पिपरौड़ी संजय कुमार तिवारी कौड़ी राम सरसों में सर प्रदेश में भी आपका जिला प्रभारी थोड़ा और पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान सुरेंद्र यादव कौड़ी राम और पीछे थोड़ा चलिए ऐतिहासिक जनपद के आदर्श मुख्य विकास अधिकारी हमारे कार्यक्रम में ऊपर ओमकारनाथ जरगावा ओमकारनाथ जरगावा सोमनाथ सोमनाथ शिव प्रसाद शाही गगहा अच्छा ये दो पदक बीमा पर भी देना है पुरस्कार सर फसल के पिताजी अच्छा फसल बीमा में भी इनको मिला है 56,862 रुपया सर ये भी देखना बीमा का 56,000 हमारे तीन किसान भूम संरक्षण द्वारा सम्मानित होने हैं विश्वनाथ सिंह कठवा को ठीक है इस संबंध में चिटवन संवाददाता से बात करते हुए पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया।
देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर किसान सम्मान दिवस के रूप में किसानों को सम्मानित करने का जो फैसला हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की है कि किसानों को सम्मानित किया जाए, जिससे उनका प्रोत्साहन उनको मिले, तो उसी क्रम में जो है प्रतिवर्ष जो है किसानों को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम रखा गया है। विकास भवन सभागार में सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त IAS प्रमोद कुमार पांडे ने आए हुए सभी SDM VDO सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को शासन द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं परियोजनाओं को आम जन तक कैसे सुगम व सरल तरीके से पहुँचाया जाए कार्यशाला के तहत बताया गया। कार्यशाला में प्रमुख रूप से CDO संजय कुमार मीणा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर नेहा बंधु, जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा सहित बड़ी संख्या में SDM, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी व अन्य जनपदीय अधिकारी मौजूद रहे। के लिए अपना जाकर के अपने चौपालों के माध्यम से निस्तारण कराने की कार्रवाई करेंगे, प्रक्रिया अपनाई जा रही है। साथ ही सिटी ग्राम से संबंधित जो शिकायतें भारत सरकार की है उन्हें सदुपयोग करने के लिए आए हैं, और आपके अमूल्य निर्देश जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, इसको निस्तारण करने के लिए कार्रवाई करेंगे जो समस्याएं होंगी, क्योंकि आपके अनुभव मिल पाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब मैं इसी कार्यक्रम सप्ताह प्रशासन गांव की ओर है, इसके बारे में पूर्व बैठक आप लोगों की जा चुकी है, जिसमें 19 दिसंबर से और 25 दिसंबर तक जो ये सप्ताह आयोजित किया जा रहा है, उसमें आप लोगों के माध्यम से गांव गांव में चौपाल भी लगाई जा रही है, जिसमें सभी हमारे SDM, सभी हमारे BDOs और जो हमारे ग्राम स्तरीय अधिकारी हैं, लेखपाल हैं, सचिव हैं, कोटेदार हैं, वहाँ की आशा है, ANM है, आंगनबाड़ी है, सभी उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो इसकी थीम है कि हमारे जितने भी शिकायतें हैं, चाहे वो IGIS पोर्टल पे हो, चाहे CP ग्राम की कोई शिकायत हो, चाहे हमारी जो ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज हैं, जिसमें हम लोग आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कुटुम्ब रजिस्टर की नकल और अन्य जो सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से आम जनमानस को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, उसका कार्यशाला आयोजित की गई है। और सर के जो भी मार्गदर्शन होंगे, जो भी आप लोगों के डाउट होंगे, उनको हम लोग सर के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। तो इस कार्यशाला में गुरुवार को राजघाट थाना क्षेत्र के बसंतपुर चौकी अंतर्गत दिन दहाड़े एक महिला के घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। महिला के साथ मारपीट भी की गई। पीड़ित पक्ष द्वारा राजघाट थाने की पुलिस को लूटपाट व मारपीट की घटना की तहरीर दी गई है, जिसको लेकर पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है और पीड़ित को जल्द से जल्द आरोपियों गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया गया है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर में राजघाट थाना के बसंतपुर चौकी क्षेत्र में कल एक दोपहर में 2 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला बीना देवी जो अपने आवास में रहती हैं, उनकी बेटी बाहर सामान खरीदने गई, तब एक व्यक्ति जिसने एक लेखपाल का नाम लेके व्यक्ति आवास में घुसा और उसके साथ मारपीट की और घर में रखे जेवर लेके चला गया। इस तरह की तहरीर प्राप्त हुई है। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू की है और सभी एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है, चाहे वो प्रॉपर्टी का मसला भी हो सकता है या फिर वास्तव में घर में घुस के चोरी करना या लूट करने का भी मसला हो, पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है एवं आवश्यक कार्रवाई कर आज शाम तक या फिर जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। आधार ऑपरेटर वर्कशॉप का आयोजन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिला मिशन प्रबंधन इकाई कार्यालय में किया गया। इस वर्कशॉप में जन्मतिथि पता आदि को आधार कार्ड में परिवर्तित करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। वहीं 10 वर्ष पुराने आधार कार्ड में यदि किसी प्रकार का कोई संशोधन व्यक्ति द्वारा नहीं कराया गया है तो उसे अपना पहचान या पते का प्रमाण अनिवार्य रूप से अपलोड कराना होगा, अन्यथा ऐसे लोगों को सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। फॉर्मल लीजिए, इसको
अभी आपने बताया कि फोटोकॉपी नहीं लगाना है किसी भी। अरे भाई उसको क्वेश्चन ना कर ले, वो हो सकता है वो कुछ और पूछना, कम से कम क्वेश्चन पूछने का राइट तो रहने दो सबके पास। तो उसमें पीछे वाला अलग साइड में होता है, आप पेज वन जिसमें आपका आईडी होता है, पीछे वाला पेज दोनों स्कैन कर सकते हैं, फिर उसको स्कैन करते थे। अभी वो अभी उस मोड में ही अभी तक शायद आप करते आ रहे हैं जी। अभी पासपोर्ट का आगे पीछे का कलर प्रिंट आउट करके उसमें लगाते थे फोटो। हाँ, और एक चीज जिस पे आप लोग ध्यान डायरेक्ट है कि आप जैसे नॉर्मल स्कैनिंग करते हो ना, तो आप क्या करते हो कि एक फाइल बनानी है तो नेक्स्ट पेज करते हो, उसी तरह से आप क्लाइंट में भी फीचर है कि आपको स्कैन कर, तो वो भी आपका डॉक्यूमेंट एरर। पासपोर्ट हैज अ टेन्योर, ड्राइविंग लाइसेंस हैज अ टेन्योर, जो भी इस तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं जिनका पर्टिकुलर टेन्योर होता है वो आपको ध्यान देना है। जैसे मेरा पासपोर्ट 2017 में एक्सपायर हो चुका है, मैं आपके पास एड्रेस अपडेट के लिए आई, आप उसमें ये देख रहे हो ये वैलिड डॉक्यूमेंट है, बट आपने जो एंड डेट है या इशू। इस संबंध में सरिवन संवाददाता से बात करते हुए स्टेट रिप्रेजेंटेटिव नवल ने बताया, आधार आज की डेट में एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन गया है जिसके माध्यम से सरकारी सारी सुविधाएं इसी के माध्यम से मिलती हैं लोगों को, डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट देती है। तो ये ज़रूरी है कि जो वो डॉक्यूमेंट आधार बनाने के पर्पज़ से या फिर आधार संशोधन के रूप में यूज किए जा रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट ऑपरेटर्स प्रॉपर लें, तो उसी की एक प्रशिक्षण कार्यशाला है कि सभी जो भी ऑपरेटर हैं वो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से जांच लें और उसके बाद ही लोगों के आधार को संशोधन करें। इसके अलावा जो आधार कार्ड 10 साल से पुराने हो गए हैं, जिन रेजिडेंट्स के आधार कार्ड जैसे 11, 12 या 13 तक बने थे 2011, 12, 13 में, तो ऐसे सभी डॉक्यूमेंट जो भी आधार हैं तो उनमें सभी आधार में यूआईडी के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, एक सर्कुलर जारी किया गया है उन सभी रेजिडेंट को अपने आधार में, अगर उन्होंने इस बीच कोई भी अपने आधार में करेक्शन या चेंजेस नहीं कराए हैं तो उन सभी आधार धारकों को अपने आधार में अपडेटेड जो POI पहचान या पते के प्रमाण हैं, आईडी एड्रेस प्रूफ, वो अपलोड कराना अनिवार्य है। अदरवाइज आने वाले फ्यूचर में उनको जो भी सरकार के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है तो हो सकता है वो उनका उनसे वंचित रहना पड़े, तो उसके बारे में भी लोगों को जागरूकता, हमने अपने ऑपरेटर्स को इसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए पर्पस से ये मीटिंग रखी है कि वो खुद अपने आप को एजुकेट करें, फिर अपने आसपास के जो लोग हैं उनको इसके बारे में बताएं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें आने वाले समय में अगर वो डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कराते हैं अपने आधार में तो इस तरह की जो सरकारी स्कीम्स हैं उनकी योजनाओं का लाभ लेने से वो वंचित रह जाएं। सर्दी का मौसम शुरू होते ही कोहरे की वजह से दुर्घटनाओं में इजाफा हो गया है, यही वजह है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से लगातार अभियान चलाकर लोगों की गाड़ियों के कागजात दुरुस्त करने और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की अपील की जा रही है। CM योगी और शासन की ओर से जारी निर्देश के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से निर्देश जारी कर ट्रैक्टर ट्रॉली को चिन्हित कर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, इसके साथ ही ट्रैक्टर चालकों को हेडलाइट, बैकलाइट और इंडिकेटर को दुरुस्त रखने का भी निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से RTO अनीता सिंह और RTO प्रवर्तन BK सिंह ने ईट भट्टों पर जाकर अभियान चलाया। अभियान के तहत ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर लगाए गए तो वहीं चालकों को सख्त निर्देश देते हुए नियमों का कड़ाई के साथ पालन करने की बात भी कही गई। गौर किया होगा कि आपकी ट्रॉली में कोई इंडिकेटर नहीं है, रात में इंडिकेटर की कोई चीज नहीं है, आप अगर आपको मुड़ना होता है बाएं आप खटाक से ऐसे मोड़ लेते हैं, आप ये भी क्योंकि आपके आगे भी कोई शीशा ऐसा नहीं लगा कि आप पीछे देख सकें कि कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी गाड़ी नहीं आ रही है, आपके मोड़ने से क्या होता है पीछे की गाड़ियां कंफ्यूजन में आ जाती हैं और वहां पे एक्सीडेंट की पूरी पूरी संभावना हो, सीधे आप लोग अधिकारी पर डाल देते हो कि हमारा शोषण हो रहा है, आप ये नहीं बताते हो कि ना आपके पास लाइसेंस होता है ना गाड़ी के कागज़ होते हैं। हम आपके पास आपको इस जागरूक इसीलिए करने आए हैं कि कृपा करके अपनी गाड़ी में टेप लगवा लीजिए, शीशे वीशे सब ठीक करा लीजिए और सबसे महत्वपूर्ण है अपने गाड़ी के कागज़ पूरे कर लीजिए। अगर आप किसी से गाड़ी चलवा रहे हैं तो ये भी एश्योर कर लीजिए कि उसके पास लाइसेंस हो, नहीं हो तो किसी तरह की मदद की आवश्यकता है तो हम लोग यहाँ पर इसीलिए आप लोग के पास आए हैं, तो छोटा सा अनुरोध करने आए हैं और मुझे लगता है कि आपका पूरा पूरा सहयोग हमें मिलेगा, इसी आशा के साथ हम लोग आपका यहाँ पे जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉली हैं और आगे भी जो होगा वही कारण है।
है ना, अब आपसे तब नहीं मिलता वो बात बात है आपकी। लगा लगा एक बराबर देख के बराबर देख के मतलब इधर देख लिया करो जो पहले चिपकाया और बराबर में चिपकाया करो इस पे हो तो दे दो। हां जा ऊपर नीचे ना हो वाला काम है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए आरटीओ अनीता सिंह और ट्रैक्टर चालकों ने बताया। मंडलायुक्त महोदय के निर्देश थे कि जैसे ही सर्दियां शुरू हो रही हैं फॉग का महीना शुरू हो जाता है, बहुत तगड़े फॉग चलते हैं और उसमें गाड़ियों की दृश्यता में बहुत कमी आ जाती है, आपको विजिबिलिटी नहीं दिखाई देती है। और गत वर्ष से इस वर्ष तक ये आंकड़े ये कहते हैं कि हमेशा सड़क पर बहुत ज़्यादा दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है इस कोहरों में भी। तो परिवहन मंत्री जी और हमारे मंडलायुक्त के बहुत कड़े निर्देश थे। इसकी इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे माननीय विधायक पिपराइच जी ने, डॉक्टर महेंद्र पाल जी ने कर दी थी। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे अभिषेक ट्रेडर्स ईट भट्टे पे परिवहन विभाग आया है और यहाँ पे जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉली हैं उन पे रेट्रो रिफ्रेक्टिव टेप लगाया जा रहा है ताकि कोहरे में भी ये टेप की चमक से कम दुर्घटनाओं में कमी हम ला सकें। क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ रहा है आपके द्वारा लगातार जागरूकता का? हम लोग जो जगह जगह जाके लोगों को, पब्लिक को अगर हम लोग जागरूक कर रहे हैं, इसका मुझे लग रहा है कि जनता बहुत सहयोग कर रही है और हमारी बातों को सुन रही है, समझ रही है और उसको फॉलो भी करने की कोशिश कर रही है। और हम ये उम्मीद रखेंगे कि शायद हमारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में जनता का सहयोग जो मिल रहा है उससे हम आगे बढ़ पाएंगे। जी सर, यही कहा गया कि कोहरा में संभाल के चलिए, बाएं दाएं देख के चलिए। और क्या लाइट और भी कोई रिफ्लेक्टिव लाइट भी लगाई गई है? जी सर, लाइट इंडिकेटर सही होना चाहिए। और रिफ्लेक्टिव लाइट लगाई गई उसके बारे में क्या बताया गया? यही बताया गया कि वो सब ओके होना चाहिए। और कुछ और क्या क्या जागरूक किया गया आप लोगों को? जागरूक ये किया गया है कोहरा में संभाल के चलिए, बाएं दाएं देख के चलिए और अपने ठीक अंदर में चलिए, कोनो प्रकार के कोनो जैसे कि एक्सीडेंट न हो के पावे, संभाल के चलिए। कितना आप लोग जागरूक हो रहे हैं इससे? इससे बहुत से लोग होंगे। अच्छा, पहले कभी ऐसे कोई जागरूक किया था? नहीं सर, ऐसे नहीं किया था, पहली बार हो रहा है। जी कैसा लग रहा है? ठीक रहा, अच्छा लग रहा है। संगठित माफियाओं व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे वरिष्ठ प्रशिक्षक के अभियान के क्रम में गीडा थाने की पुलिस ने गौ तस्करी करने वाले दो शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इनकी पहचान दीपक सेना व सूरज पाल के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए क्षेत्र अधिकारी कैंपियरगंज श्याम देव ने बताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के क्रम में आज गीडा पुलिस द्वारा दो साथी पशु तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें गैंग लीडर दीपक सेना व उसका साथी सूरज पाल है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एके टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935908811। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइज, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में क्रिसमस पर्व को लेकर सभी चर्चों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। सभी क्रिसमस पर्व को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में सेंट मार्क चर्च फातिमा हॉस्पिटल और सेंट माउंट कॉर्मल स्टैंडपुर में क्रिसमस के अवसर पर कैंडल लाइट सर्विस का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर अपने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। वहीं चर्च के पादरियों ने प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को लोगों को बताया व हमेशा शांति भाईचारा बनाए रखने का संदेश भी दिया। ज्योतिषियों ने बालक यीशु को सोना मूर्ख और लोबान भेंट के तौर पर दिया। शुक्रिया आपने मौका दिया हमें। हमारा कार्यक्रम कैंडल लाइट सर्विस जो कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है और जगत की ज्योति बनकर हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे और उन्होंने कहा था कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में नहीं भटकेगा। तो उसी के ज्योति को एक कैंडल के रूप में हम पूरे यहाँ स्टैनपुर और मसीह समाज में लेकर जाते हैं और ये संदेश देते हैं कि हम दुनिया के इस भीड़ में इस संसार में खोए हुए जो अंधकार में भटके हुए लोग हैं उनको इस ज्योति के द्वारा एक संदेश प्राप्त हो, जिससे कि उनको ये मालूम हो कि ज्योति में रहने पर हमारे मन के सारे जो दृष्टा है वो सब बाहर आए और दिखाई दे और लोग जो है उस सच्चाई को पहचान सके जो हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर आया। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने डीआईजी बंगले के सामने हॉस्पिटल पर वर्चस्व को लेकर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त राहुल शर्मा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की है। बता दें कि जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इस शातिर अपराधी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। बेतहाता स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनके चित्र पर माल्यार्पण कर मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अधीश यादव ने उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा किसानों नौजवानों के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश भी डाला गया। वहीं अपने संबोधन में सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कहे जाते थे। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में किसान जयंती के रूप में इसे मना रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौधरी साहब अमर रहे, अमर रहे, चौधरी साहब अमर रहे, अमर रहे, चौधरी साहब उधर देखिए, चौधरी साहब अमर रहे, अमर रहे। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अधीश यादव ने बताया कि आज किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में किसान दिवस के रूप में मना रही है। उसी क्रम में आज गोरखपुर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी हम लोग किसान जयंती उनके याद में मना रहे हैं, क्योंकि चौधरी साहब ने जो किसानों के लिए और समाज के लिए दिया है आज वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आ रही है। जैसे हमारे साथियों ने अभी हमारे पूर्व सांसद जी ने बताया
कि कैसे उन्होंने एक पटवारी व्यवस्था जो लागू थी पूरे देश में, एक जाति विशेष के तहत जो व्यवस्था लागू थी उसको ख़त्म करके उन्होंने लेखपाल व्यवस्था को लागू किया, और उन्होंने कैसे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू रूस के दौरे से आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट खेती के रूप में वो लागू करना चाहते थे, और उस समय पूरे देश में किसी नेता की हिम्मत नहीं थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातों का विरोध कर सके। उस समय सिर्फ प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के इस जो कॉन्ट्रैक्ट खेती की परिकल्पना थी उसका विरोध किया था, जिसे आज हमारे किसान अपने भूमि के खुद मालिक हैं। आबकारी आयुक्त द्वारा चलाए जा रहे विशेष परिवर्तन अभियान के तहत जनपद गोरखपुर में कच्ची व अवैध शराब के विभिन्न संदिग्ध स्थानों पर आबकारी निरीक्षक सेक्टर एक अरविंद कुमार मिश्रा एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र दो मिथिलेश कुमार द्वारा दबिश दी गई, जिसके क्रम में शाहपुर थाना अंतर्गत बधिक टोला, व्यासनगर एवं पादरी बाजार व रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलवरिया व रामपुर में दबिश की कार्रवाई की गई। दबिश के दौरान लगभग 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग भी पंजीकृत किया गया। प्रदेश भर में छात्र नेताओं पर हो रहे हमले के विरोध में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर सहित अन्य महाविद्यालय के छात्र नेताओं ने छात्र नेता शिवशंकर गौड़ के नेतृत्व में मंडलायुक्त कार्यालय पर पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा और छात्र नेताओं के साथ मारपीट व अन्य घटनाओं को कारित करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। छात्र नेताओं ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा छात्र नेताओं पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसमें दर्जनों छात्र नेता घायल हो गए, लेकिन अभी तक ना कोई कार्रवाई हुई है ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है। इसको लेकर छात्र नेता काफी आक्रोशित हैं। प्रदेश सरकार मामले में जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। इस मौके पर बड़ी संख्या में विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र नेता मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए छात्र नेता शिवशंकर गौड़ ने बताया, विश्वविद्यालय प्रशासन के सह पे कुछ छात्रों और छात्र नेताओं के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट करने का कार्य वहां के स्थानीय लोगों ने किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के इशारे पे हम लोग इस मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि तमाम उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्रों एवं छात्र नेताओं के ऊपर आपराधिक हमले बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे लोगों पे तत्काल रूप से कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को जेल भेजने का काम किया जाए। किसी कीमत पे छात्रों एवं छात्र नेताओं पे हुए हमले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। आज हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय से पैदल मार्च करते हुए हम लोग कमिश्नर ऑफिस तक मंडलायुक्त महोदय के पास आए हैं और उनके माध्यम से हम लोग ज्ञापन देंगे। हम मांग करते हैं जितने भी महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में फीसों को बढ़ाया गया है, एक गुना दो गुना नहीं 10-10 गुना फीस बढ़ाया गया है। पूर्वांचल का एक्सपोर्ट कहा जाने वाला गोरखपुर विश्वविद्यालय से लगाए इलाहाबाद हो गया, गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, तमाम जगहों पे फीस बढ़ाए गए हैं। इन विद्यार्थी कैसे पढ़ेगा, इन लोगों के फीस वापस लिए जाए जो बड़े फीस है। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर किसान सम्मान समारोह के तहत किसानों को किया गया सम्मानित। सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर कार्यशाला का किया गया आयोजन। राजघाट थाना क्षेत्र में महिला से मारपीट व डकैती की घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी। आधार ऑपरेटर वर्कशॉप का हुआ आयोजन, 10 वर्ष से अधिक पुराने आधार कार्ड को कराना होगा अपडेट। कोहरे में ट्रैक्टर ट्राली से दुर्घटनाओं पर अलर्ट के लिए आरटीओ ने ईंट भट्टे पर अभियान चलाकर लगवाए रिफ्लेक्टर। गीडा थाने की पुलिस ने गौ तस्करी करने वाले दो शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। महानगर के विभिन्न चर्चों ने कैंडल लाइट सर्विस का आयोजन कर प्रभु यीशु मसीह के संदेशों का किया प्रचार प्रसार। कैंट थाने की पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती।
आबकारी विभाग ने शाहपुर व रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी कर लगभग 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 3 अभियोग किया पंजीकृत। और देश भर में छात्र नेताओं पर हुए हमले के विरोध में छात्र नेताओं ने पैदल मार्च निकालकर मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।